नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में सफाई व्यवस्था की खुली पोल, बिजटी चौराहा बना तालाब। सितारगंज में केवल 2 घंटों की बरसात में ही नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक की बारिश में सितारगंज के बिजटी चौराहे से लेकर मीना बाजार रोड तक जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। चौराहे समेत वार्ड नंबर 9 की सड़क व गलियों में जलभराव से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज केवल 2 घंटों की बरसात में शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नगर पालिका की बदहाल सफाई व्यवस्था को जिम्मेदार बताया वार्ड नंबर 5 सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि जलभराव की समस्या को लेकर वह कल जिला सितारगंज नगर पालिका ईओ से मुलाकात करेंगे। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। वाकई में अहसान भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी थोड़ी सी बरसात हुई, लेकिन बरसात भी काफ़ी अच्छी थी और इस वजह से जगह जगह जलभराव हो जाता है। लगातार नालियां भी साफ हो रही है नगर पालिका ने। मैंने अभी बीच में आपने देखा ही था, जलकम रोड पे नाले बंद थे, उसको लेकर मैंने आवाज़ उठाई। उसके बाद में जो है नालों की सफाई जो है सुचारू हो पाई। लेकिन हाँ, यह है कि अगर पहले इन सब चीज़ों को कर लिया जाए बरसात से पहले, तो मैं समझता हूँ कि ये जलभराव वाली स्थिति नहीं होगी। लगातार एहसान भाई, मेरे द्वारा जनहित की चीज़ों को लेके मैं लगातार इन चीज़ों पर लेके आवाज़ उठाता हूँ कि भाई ये जो सामाजिक कार्य हैं, छोटे छोटे कार्य हैं जिससे जनता को परेशानी ना उठानी पड़े, मैं उसके लिए हमेशा जागरूक करता हूँ और कहता हूँ नगर पालिका से। और मेरा ये फिर से प्रयास रहेगा, मैं कल ही जो है नगर पालिका जो हमारी मैडम है मैं उनको अवगत करा। इसमें ये हाल हो गया है बाढ़ का, पानी पानी हो गया, आने जाने में बहुत दिक्कत है। अगर ये पहले नाली साफ करा दी तो ये स्थिति नहीं होती।